एकेडमी के लिए फिल्म को जाने की कोशिश करेंगे। श्योर सर। सर मेरा ये मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं क्या वो ऑडियंस तैयार करते हैं या ऑडियंस जो है वो फिल्म डायरेक्टर को तैयार करती है? और क्योंकि आप एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं तो क्या ये हमेशा स्थिति बनी रहती है कि जो ऑडियंस को देखना है मुझे वो बनाना चाहिए या मुझे वो बनाना चाहिए जिससे मैं अपनी ऑडियंस को आगे ले जा सकूं, सोसाइटी को एक और स्टेप आगे लेके जा सकूं? देखिए वो वक्त तो अभी चला गया है, स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए। कोई क्या चाह रहा है वो बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो और आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट। तो कभी ये मत सोचो कि ऑडियंस ऐसी पिक्चर पसंद करती है वो मुझको बनानी, क्योंकि हो सकता है कि आपने सोचा ऑडियंस ऐसी पिक्चर पसंद करती है वो बना रहे हैं आप, और ऑडियंस का चेंज जो है वो नेक्स्ट हफ्ते या एक महीने या एक साल के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऑडियंस जो है वो सेम नहीं रहती है, आप सेम रहते हो, आपके बिलीफ सेम रहते हो, आपकी चाहत और आपकी आपके जो जो बिलीफ्स है वो, क्या आप आदमी कैसे हो, आप सोशली कैसे सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हो, आप पॉलिटिकली कैसे एक्सेप्ट करते हो, आप ह्यूमरस वे में कैसे एक्सेप्ट करते हो, एक कहानी को कैसे सुनाना चाहते हो, आप आपके रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो आप अपनी कहानी सोचो, क्योंकि आज सिनेमा का सबसे बड़ा पावर क्या हो गया है, दैट फिल्म मेकर्स आर बिकम फियरलेस, दे विल मेक एनीथिंग विच इज दे फील इज राइट एंड वॉट दे फील शुड गो टू पीपल। आज उड़ता पंजाब जैसी पिक्चरें हो या न्यूटन जैसी पिक्चरें हो या उबरता पिक्चर आ रही है या दम लगा के हैशा पिक्चर आ रही है, संजय लीला भंसाली अपने थॉट की पिक्चर बनाता है, यू नो अलग मसाल जैसी एक पिक्चर बनती है। मैंने एक फिल्म बनाई है लास्ट ईयर, ए बिलियन कलर स्टोरी, देखिएगा नेटफ्लिक्स पे कभी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बट इट हैज वन 11 इंटरनेशनल अवार्ड। और एक्चुअली अभी मैं वो फिल्म बना रहा हूं, ऐसी फिल्म बना रहा हूं जो मैं बनाना चाहता हूं। अब मैंने सोचा कि मैं यंग टैलेंट को ब्रेक दूंगा, क्योंकि कभी किसी ने मुझे भी ब्रेक दिया था, और मैं नए लोगों के साथ नए माइंड के साथ बनाऊंगा, तो वो मेरी सोच है। तो आपकी जो सोच हो, आप जो पिक्चर बनाना चाहते हो वो बनाओ, और आप कॉन्फिडेंस से बनाओगे और पूरे विश्वास के साथ बनाओगे, और तो 100% वो कभी की ऑडियंस भी जो है ना, वो किसी भी दायरे की ऑडियंस हो, किसी भी टाइम की ऑडियंस हो, वो एक्सेप्ट करोगी करेगी, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो सही। My question to you is, which is your most fun role in your movies and why? Why you choose that for a funny role? I was a theater actor and I have done roles in plays like Man Without Shadows, Grease Karnad, Zhevadan, and I have done serious roles. पर जैसे ही बॉम्बे गए ना, तो बॉम्बे तो ऐसी जगह है जो आपको पहले मिल गया ना वो आप आपकी सड़क बन जाती है। अभी हमको जो रोल मिला हमने कर दिया, अब क्योंकि हम लोग कहते थे कि हम अच्छे एक्टर हैं, तो जो मिला उसको अच्छा कर दिया, और वो कैलेंडर का रोल मिला, वो कैलेंडर का रोल अच्छा कर दिया, तो सब ने सोचा मैं कॉमेडी अच्छी कर सकता हूँ। तो वो एक के बाद, और उन दिनों में फिल्मों में ऐसा होता था, आज की तरह नहीं था, उन दिनों में फिल्मों में ऐसा होता कि ये भाई का रोल करेगा, ये कॉमेडियन का रोल करेगा, ये जो है बाप का रोल करेगा, ये भाभी का रोल करेगी, ऐसे बड़े खाने थे। तो हम उसमें एक्चुअली फंस गए, लेकिन उससे अब उसको ना भी नहीं कर सकते थे, तो गए तो एक्टिंग करने थे ना, क्या करने गए थे, एक्टिंग करने, तो जो मिलेगा करेंगे, उसको ना तो कर नहीं सकते। तो जो मिला वो अच्छी तरह किया, उन रोल से बड़ी पॉपुलरिटी मिली, बड़ा नाम मिला, लोगों ने कहा आपकी टाइमिंग जबरदस्त है, आप कॉमेडी एक्टर बहुत अच्छे हो, आप कॉमेडियन हो। तो मैं कई बार कॉमेडियन नाम से बड़ा वो होता था, इसीलिए मैंने फिल्मफेयर अवार्ड में रखवाया बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल। मैंने कहा ये कॉमेडियन का अवार्ड मत दो, कॉमेडियन क्या होता है यार, एक्टर है, वो एक्टर है, वो कॉमिक रोल था, तो बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल हमने मतलब मैंने सजेस्ट किया था। तो करता चला गया, तो ये कॉमेडी रोल। लेकिन जो आपका सवाल है, बड़े रोल इतने एंजॉय किए हैं, चाहे पप्पू पेजल हो, चाहे मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, या मुत्तू स्वामी साजन चले ससुराल का ही, और थोड़ा चौटा थोड़ा काला थोड़ा मोटा, हमारा आपकी पार्टी एकदम फिल्मों के माफ सुख सारे रोल किए, पंजाबी उड़ता पंजाब में रोल किया, और टॉमी हो कर रात में लड़की चला गया यार। और सारे के सारे जितने रोल किए
इतने लोग यादगार रोल्स किए, मतलब जो आइकॉनिक रोल्स जिसे बोलते हैं, अब ऑडियंस का जब इतना प्यार मिल रहा था तो मैं उसको ना तो नहीं कर सकता। थैंक यू, जस्ट टू मीट यू सर, आई एम अ बिग फैन। ओए थैंक यू सो मच यार। और सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और सर आज अभी यहाँ पर आपकी खुद आपसे सुन के आपकी लाइफ के बारे में सर सिर्फ एक ही मैं चीज पहले बोलना चाहूंगा, बहुत मास्टर आदमी है यार। आप बोल रहे हो बड़ा मास्टर आदमी है यार। तो मैंने कहा क्योंकि तू तेरा कैरेक्टर ऐसा है तो झूठ बोलता रहता है, तो मैंने कहा ऑडियंस को मास्टर लगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मास्टर ही बोल रहा हूँ सर मैं। और सर अभी आपने पप्पू बेदर की बात की, तो सर उससे भी एक बड़ा सा डायलॉग था गोविंदा जी का, वो भी सर पूरा याद है सर, जस्ट बिकॉज टू सी यू सर। सर संजय दत्त जी, श्री बच्चन जी, सर उन ऐसे एक्टर्स के सामने सर हाईलाइट हुए आपसे, बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ सर आपसे सुनने के बाद सर, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट आई चोज टू बी अ फिल्म मेकर सर, स्टार्टेड ऑफ विद शॉर्ट फिल्म्स, नाउ आई हैव स्टार्टेड असिस्टिंग अ डायरेक्टर श्री शीर्षक आनंद जी इन बॉम्बे। सर सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो, आर यू वेलकमिंग स्टूडेंट फिल्म मेकर्स, और आर यू ओपन टू बी वर्किंग? आई एम इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ यंग फिल्म मेकर्स, राइटर, कैमरामैन एंड दिस थिंग एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। यू नो आप कभी भी अपनी कहानी सतीश कौशिक entertainment@gmail.com पे मेरे को भेज सकती है। मैं यंग लोगों से इंटरेक्ट करने पे मेरे को बड़ा मजा आता है। मैं अपने ऑफिस में आप कभी आगे देखोगे हमेशा जो है ना यंग बच्चे, मैंने अपनी कंपनी का जो अब मेन मोटो बनाया कि मैंने इतना काम कर लिया, लेकिन अब मेरा कंपनी का है कि लो कॉस्ट हाई कंटेंट टैलेंट एंड म्यूजिक, चार चीज़ें जिनके ऊपर कंपनी बेस कर रहा है। तो मैं पता नहीं दो तीन यंग लड़कों की तो मैंने स्क्रिप्ट ओके कर रखी है कि मैं इनको बनाना चाहूँगा, इनके लिए फंडिंग अरेंज करूँगा। और अभी जो लास्ट ईयर मैंने ए बिलियन कलर स्टोरी पिक्चर बनाई है डायरेक्टर भाई एन पद्म कुमार, जिसको अवार्ड मिले, वो मेरे लिए सेकंड पिक्चर बना रहा है अगेन इन इंग्लिश, एंड इट इज नॉट ए हिंदुस्तानी कहानी, श्रीलंका की कहानी है बट इट इज शॉट इन श्रीलंका एंड लंडन, उसको दोबारा मैंने पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए दी है। उसका श्रीलंका का शेड्यूल खत्म हो गया। मेरा एक असिस्टेंट था राजेश बब्बर, पूरे टेलीविजन के लिए ही इज डायरेक्टेड ए हरियाणवी फिल्म विच वी हैव जस्ट कम्प्लीटेड इन करनाल फ्यू डेज बैक, यू नो। फिर एक मराठी फिल्म है जो कि एक यंग कैमरामैन को दिया मैंने डायरेक्ट करने के लिए। सो एंड आई एम लिसनिंग टू द स्टोरी, सो एनी टाइम एनी बडी हैज आई लव टू इंटरेक्ट विद यंगर जनरेशन पीपल हु आर ड्रीमर्स लाइक हाउ आई वॉज वंस अपॉन ए टाइम दैट आई वॉन्टेड टू विन ओवर बॉम्बे एंड वॉन्टेड टू बी द बेस्ट इन बॉम्बे एंड आई वॉन्ट टू डू ए लॉट ऑफ दिस वर्क इन बॉम्बे एंड आई एम वेरी लकी दैट at this time also after working nearly 40 years, you know, more than 3 decades, I'm still working and I'm very, very much, you know, inspired by younger generation.